तो ओके गाइस, आ चुका हूँ मैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापिस। और आज हम बहुत दिनों बाद फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 3। तो हाँ गाइस, बहुत दिनों के बाद मैंने फिर से ये गेम खोली है। अब मैं तो भूल भी गया भाई आखिर इस गेम में हो क्या रहा था। तो चलते हैं गेम में, देखते हैं आखिर इस गेम में हो क्या रहा था। चलते हैं गेम में। तो ओके गाइस, आ चुके हैं भाई बहुत दिनों के बाद फिर से गेम में। और ये बंदा कहाँ है भाई? अच्छा, ये है कौन यार? वैसे एक बार इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। भाई टॉयलेट में क्या कर रहा है भाई? शायद पॉटी कर रहा होगा। ठीक है, इसका भी ठीक है। इसका चेहरा तो दिखाओ क्या। ओके, अब याद आया गाइस, यही है जो बंदा टॉयलेट में रहता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी पुलिस पड़ी है और यहाँ ये छुपके रह रहा है। अब मुझे नहीं पता ये सारे काम यहीं करता होगा या बाहर भी निकलता है। ठीक है, इससे फटाफट से बात करते हैं। तो ओके गाइस, फाइनली मैंने इससे बात कर ली है। और लिटरली भाई इसके साथ इतना बुरा हुआ है ना, क्योंकि ये लेबरिटी का सबसे अमीर आदमी था और आज ये टॉयलेट में रह रहा है। तो ये सब हुआ है इसके बिजनेस पार्टनर्स और इसके भी जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने इसके सारे एविडेंस वगैरह जितने भी रिकॉर्ड थे। इसने क्राइम भी करता था, बड़ा डॉन टाइप का भी था भाई पूरे लेबरिटी का। तो हाँ, जितने भी क्राइम करता था उसके सारे एविडेंस पुलिस को दे दिए, तो तभी ये छुप के रह रहा है टॉयलेट में। तो अभी इसने बोला है कि वो सब एविडेंस हमें वापस लेके आने, क्योंकि पुलिस वाले उसको इस वैन में जो ये सामने से गुजरी है इसमें ले जा रही भाई। और रुक जाओ, इसमें एक भाई, इसने तो पागल बना दिया मेरे को। मैंने सोचा ये राइट को बड़े, इसने लेफ्ट को टर्न ले लिया। कोई नहीं, हाँ इसमें सारे एविडेंस है, बस हमें इसमें टक्कर मार मार के एक एक करके सारे पैकेट निकालने पड़ेंगे एविडेंस के। तो पीछे भाई एक पैकेट और भाई, तो अब तो कुछ हो रहा है। देखो ये पीछे एक पैकेट पड़ा हुआ है। अब भाई ये क्या सीन है भाई इसका, तो मेरे को भी नहीं पता। मतलब टक्कर मार के कौन से एविडेंस निकलते हैं भाई गाड़ी से बाहर? ये सामने से आ रहा है, एक और मारी टक्कर। और एक मिनट भाई, 3 स्टार पुलिस पड़ चुकी है पीछे हमारे, और हमें टोटल 6 एविडेंस कलेक्ट करने हैं। एविडेंस पैकेट पैकेट जो भी है भाई, ठीक है। उनमें से हमने 3 तो उसकी गाड़ी से गिरा दिए हैं। और भाई क्या भार है यार वो भाई, ये कोर्ट तक नहीं पहुँचने। अगर ये कोर्ट तक चले गए तो वो हमेशा के लिए जेल के अंदर है। और इस गाड़ी में आग लगने वाली है भाई, बाय द वे इस गाड़ी को लेता हूँ फटाफट से। और चलते हैं उस गाड़ी में। वो है कहाँ भाई? यहीं पे वापस आ रहा है वो? ये नहीं आ रहा वापस, ये रहा भाई। यार ये पुलिस वाले भी अलग ही परेशान कर रहे हैं इन्होंने। ठीक है, एक पुलिस वाला भाई, ओ भाई इसने मेरी डोर खोल दिया कार का, मुझे बस स्टैंड करने आ रहा था। कोई नहीं, ये आगे जा रहा है। ये भाई ये बहुत ही स्लो गाड़ी है यार, ये मैंने बेकार ही ली। बट कोई नहीं, एक और एविडेंस मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब 2 बचे हुए हैं। ये सामने सा, अब यार ये अभी ये तो बहुत कमज़ोर गाड़ी निकली, पर अभी मैं अभी से आग लगने लग गई इसमें। ठीक है भाई, यहाँ तो ब्लास्ट वगैरह सब हो रहे हैं। अब पुलिस वाले तो मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। हेलो, ठीक है, हेलीकॉप्टर भी आ गया है यहाँ पे भाई। ठीक है, कहाँ है भाई? वो ये रहा भाई, यार इसका पीछा कर करके हो गया भाई। ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं, बस 2 और एविडेंस मिल जाए उसके बाद मैं गाड़ी को ही ब्लास्ट कर दूँगा भाई पूरी। ये ठीक है, एक और नीचे गिरा हुआ है यहाँ से, खा लेते हैं। अब कहाँ गया भाई? अभी सामने से आ रहा है ये मत कर। ओके, ये लास्ट है। उसके बाद ये जो कार है ना, इसको मुझे डिस्ट्रॉय करना है, ताकि इसके साथ एविडेंस भी डिस्ट्रॉय हो जाओ भाई। तो LCP है, UPCL जो भी होती है वो कार पुलिस की, वो भी आ चुकी हैवी व्हीकल्स रहते हैं भाई। ठीक है, इस कार को डिस्ट्रॉय करते हैं भाई। कहाँ है मेरी मिसाइल? इधर लॉन्चर मारूंगा भाई ये। तो चलते हैं उसी के पास, और उसी के घर के ऊपर टॉयलेट के ऊपर फोड़ा है भाई। चलते हैं, बात करते हैं फटाफट से उससे। गॉन फिशिंग। ओके, अब निकल रहा है भाई ये टॉयलेट से बाहर। हेलो, मैंने यहाँ सबूत इसमें इतनी लेट में वो कलेक्ट करे हैं, ये अब निकल रहा है बाहर। ठीक है, इससे फटाफट से बात करते हैं। तो फाइनली मैंने इससे बात कर लिया, और भाई ये एक एक करके सबसे बदला दे रहा है, मतलब जिसके वजह से इसकी ये हालत हुई है कि आज इसको टॉयलेट में रहना पड़ रहा है। तो उन सबसे ये बदला दे रहा है। ठीक है,
तो एविडेंस तो इकट्ठे कर लिए हैं, अब हमें जाना है दूसरी सिटी में क्योंकि उसका एक फ्रेंड वहाँ रहता है जो अभी फिशिंग कर रहा होगा लाइट हाउस के बगल में, लाइट हाउस के बगल ही में उसका घर वैसे भी, तो ठीक है वहाँ पे वो फिशिंग कर रहा होगा, तो उसे हमें मारना है क्योंकि भाई ये एविडेंस देने के हाथ में ना उसका बहुत रोल था। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जंप करा दूँ अपनी गाड़ी, ये रुक जाओ इधर साइड से, 1 2 3 ये हमारी जंप और गई गाड़ी। वैसे भी ये ब्लास्ट होने वाली थी, बस थोड़ा सा जान बची हुई थी और वो भी मैंने पूरी कर दी। तो आ चुके हैं हम यहाँ पे बोट, पुलिस की बोट लेने, और एक अभी भाई क्या क्या ग्लिच हो रहे हैं गेम में, कभी ऐसा लग रहा है मैं पानी में डूब जा रहा हूँ, कभी मुंडी नहीं दिखाई दे रही अपनी। तो चलो कोई नहीं, तो अभी वो फिशिंग कर रहा होगा और मैंने पुलिस की बोट ली है क्योंकि इससे फायर भी होता है भाई। ठीक है इसमें दो गन्स लगी है ऊपर की साइड में, अब मुझे भी नहीं दिखाई दे रही कहाँ पे बस लगी है। तो लाइट हाउस है कहाँ यार वैसे भी? तो ओके गाइस मैं बहुत दूर आ चुका हूँ भाई उस जगह से, बट मुझे अभी तक लाइट हाउस नहीं दिखा। ये बड़ी बोट दिख गई और 1 मिनट सामने ही लाइट हाउस है भाई। ओके उसका फ्रेंड है कहाँ यार वैसे? ओके तो ये रहा भाई उसका फ्रेंड, और ये कर क्या रहा है? 1 मिनट, ओके ये पानी में बम क्यों डाल रहा होगा? ओ भाई लिटरी भाई पिटेगा मेरे हाथ से, ये पानी में बम डाल के सारी फिशेस हैं जो मार रहा है भाई, ये पिटेगा मेरे हाथ से, बस एक बार हाथ में आ जाए। रुक जाओ एक बार, तो मेरा पुलिस की बोट भी है ना, एक बार हाथ में आ जाए भाई मार मार के भूत बना दूंगा इसका। और भाई उसके पास भी कोई ऐसी टुच्चू सी बोट नहीं है, और ये अपने बोट से कंटेनर वगैरह फेंक रहा है भाई, क्या बोलते हैं ड्रम्स वगैरह फेंक रहा है ताकि मेरी बोट ब्लास्ट हो जाए, बट इसकी मतलब पीछे नहीं चलना ना जो यहाँ पे हमारी गोलियाँ, भाई डैमेज तो पड़ रहा है उसकी बोट को, मार तो लूँगा भाई, सोची ना होगी इसने। ठीक है ये स्लो कर रहा है क्या भाई? जान बूझ के स्लो कर रहा है ताकि मेरी बोट में ड्रम लग जाए, ये देखो ये पिटेगा मेरे हाथ से। रुक जाओ ना 1 मिनट, अभी उसने अपनी बोट मोड़ दी क्या? उसने अपनी बोट मोड़ दी, और ये भाई पुलिस की बोट बहुत बेकार है यार, मैं सोच रहा था कितनी अच्छी बोट होगी। ठीक है जाना पड़ेगा भाई वहीं, बट छोड़ना तो नहीं है भाई उसको, चाहे उसका पीछा करना ही पड़े मुझे। और इसने अपनी बोट भाई जमीन में ला दी, कोई नहीं भाग रहा है, ओ फायर कर रहा है। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ कहाँ भाग रहा है? रुक रुक रुक, अबे मैं फंस गया क्या? अबे हमारी गोली, बच गया बच गया। 1 मिनट 1 मिनट, स्नैपर निकालो भाई बाहर, ये बचेगा नहीं मेरे हाथ से। रुक जाओ, टोपी दिखाई दे रही है उसकी थोड़ा सा, ये गया भाई। तो ओके गाइस आज के लिए ये गेम प्ले इतना ही है, तो आज हमने एविडेंस कलेक्ट करे, मतलब उनको डिस्ट्रॉय करा और उसके फ्रेंड को मारा जिसने वो एविडेंस पुलिस वालों को दिए थे। तो बस अब एक काम और करना है कि उसको उस टॉयलेट से बाहर निकालना है भाई, क्योंकि मुझे दया आती है भाई उसको देख के, टॉयलेट में रहता कैसे होगा वो। तो फिलहाल के लिए गाइस ये वीडियो आज के लिए इतना ही, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ तोड़ दो भाई सब्सक्राइब बटन, फोन मत तोड़ना बस है। हाँ तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।